इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन एक्सेलरेटिंग फील्ड, आपका ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो त्वरक क्षेत्र की भांति काम करता है। अब त्वरक क्षेत्र की भांति काम करता है मतलब क्या, वेग को परिवर्तित कर देता है। पिछले क्लास में एक चीज याद है आपको कि अगर कोई चार्ज है, सपोज ये क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज के इन्फ्लुएंस को, इसके प्रभाव को एक निश्चित क्षेत्र तक ही अनुभव कर सकते हैं हम लोग। तो जहां तक इसका इफेक्ट होगा, जिस क्षेत्र तक इसका प्रभाव होगा, उस क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ? और अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ है, यहाँ है, अलग अलग डिस्टेंस में अगर रखें, तो ये क्या करता है, इसका प्रभाव इस पर अनुभव होगा, इसके बल का इस पर अनुभव होगा, है ना? तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब विद्युत क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करता होगा, उसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा है। इन दो चीज़ों से हम लोग इस डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? चलिए पहले इसी को डिफाइन कर लो आप, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एरिया अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन ऑलवेज उस फोर्स के अलोंग होगा, उस बल के दिशा में होगा जो किस पे काम करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे काम करेगा। मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन पे लगेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। क्यों होगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आपने कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, टेस्ट चार्ज क्यू है, और इस पे एफ फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। फोर्स मतलब न्यूटन और चार्ज मतलब कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। तो यहाँ तक ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, या कहिए एक सिंपल सा रिवीजन हो गया। अब एक काम करते हैं आगे गए, तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स जो होता है ये टेस्ट चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ठीक है? तो अगर आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। क्लियर है? क्लियर? प्लस तो बल और क्षेत्र एक दिशा में, माइनस तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन ये है जिसको आपको अपने पास हमेशा रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये चार्ज के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, रेस्ट में है तो भी लगेगा और चल रहा होगा तो भी लगेगा। ठीक? और चूंकि ये इस तरीके से फोर्स एक्ट होता है, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर देता है, इसीलिए आपने क्या कहा, ये त्वरित गति करवाता है।
मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज एक्सेलरेटिंग फील्ड एक्ट करता है। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज़ नोट कर लिया, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों पे पोटेंशियल, पहले पे पॉजिटिव पोटेंशियल VA है और दूसरा प्लेट B पे माइनस VB है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं D है, क्लियर हुआ। और यहाँ एक चार्ज या एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिए Q और इसका मास लिख लीजिएगा M। क्या क्या बोला समझ में आया? दो प्लेट A और B, पहला हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा लो पोटेंशियल पे है, इनके मिडिल का सेपरेशन D है और अगर D है तो इस पे फोर्स एक्ट होगा। भाई क्यों? देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया? VA और VB के कारण इन दोनों के बीच में विभवांतर है और विभवांतर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। विभवांतर है कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको पहले लिख लो आप। लिखा कि दो पैरेलल प्लेट हैं A और B, इन पे पोटेंशियल प्लस VA और माइनस VB है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और सेपरेशन D है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। लिखा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा इसको V बाई डी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, सेपरेशन कितना है D, तो V बाई डी को हम लोग E बोलेंगे। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन A से B की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर। E का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा? प्लस से माइनस की ओर, मतलब A प्लेट से B प्लेट की ओर, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे चले, आगे गए तो ये आपका चार्ज Q है, मास M है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल दिया E, अब इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा। अभी पिछले कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इस पे बात किया कि चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है और ये फोर्स कितना होगा? Q इंटू E, F का वैल्यू Q इंटू E होगा। ये आपके लगने वाले फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आपने कहा था कि F का डायरेक्शन इस Q के नेचर पे डिपेंड करेगा। प्लस है तो F और E दोनों एक डायरेक्शन पे होंगे और अगर माइनस है तो F और E एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है, उसको भी लिखना ही है। यहां तक लिखा, आगे चलें। आगे गए तो ये पहले बता दीजिएगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा, प्लस होगा तो अलोंग और माइनस होगा तो अपोजिट एक्ट करता है। अब इसके बाद आपका ये जो चार्ज पार्टिकल का मास कितना है? M है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। फोर्स कितना लग रहा है? F, तो एक्सेलरेशन। फोर्स पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, मात्रा गुणित त्वरण को बल कहते हैं। तो A का मान कितना होगा? F बाई M होगा और F का वैल्यू अभी कितना निकाले थे हम लोग? Q इंटू E। A का वैल्यू आ गया क्यू ई बाई एम, A का वैल्यू आ गया क्यू ई बाई एम। अब मान लेते हैं शुरुआत में आपका चार्ज पार्टिकल प्लेट A में रेस्ट में है, मतलब प्लेट A पे आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और ये A से कहाँ जाएगा? B प्लेट की ओर। कितना दूर चलेगा? D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? V। A से जीरो वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल शुरू किया और B प्लेट तक पहुँच गया, तब उसका वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो से V हो गया। तो अगर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन पे जाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS पे, तो
तो यहाँ u का वैल्यू तो जीरो, v का वैल्यू, a का वैल्यू आपने निकाला q e by m और s की जगह d रख दीजिए, जीरो टू q e m इंटू d, e इंटू d ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा था कि e इज इक्वल टू v बाई डी होता है, e इज इक्वल टू v बाई डी होता है, तो 2q बाई एम e इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो 2q v बाई एम आ गया, v स्क्वायर की वैल्यू कितना, 2q v बाई एम आया। अब अगर मैं पूछूं कि आपके इस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है आपके चार्ज पार्टिकल का, तो आप क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा कितना निकालते हैं आप लोग, हाफ एम वी स्क्वायर निकालते हैं। इस हिसाब से पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, वी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टू क्यू बाई एम, ये वाला 2 ये वाले 2 से और ये वाला m ये वाले m से कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी निकल के आ रहा है। q क्या है, चार्ज है, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसलिए यूनिट कितना होगा, q, q को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, मतलब आपका ये जो चार्ज पार्टिकल है जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल कह रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नोट करना प्लीज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल काइनेटिक एनर्जी निकल के आया। और आप लोग का ये डाउट भी क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा q इंटू वी होती है, q आवेश और v विभवांतर, समझ में आया। अब एक केस और मान लेते हैं, जैसे कोई प्लेट रहता ऐसा, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, ये माइनस प्लेट है ये प्लस प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रख दो तो चार्ज का द्रव्यमान कितना, m, तो ये द्रव्यमान है मतलब इस पर गुरुत्व के कारण बल mg नीचे की ओर लगेगा, इसमें mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा ऊपर, ऊपर मतलब q इंटू e, और अगर ये बैलेंस हो जाएगा ना आगे जा रहा है ना पीछे, तो एम जी इक्वल टू क्यू ई निकल सकता है, और अगर ये प्लस होगा तो प्लेट के डायरेक्शन को चेंज करके आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। आया समझ में, यहाँ आपको ये दिखाना था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण आपका चार्ज पार्टिकल क्या गेन करता है, वेलोसिटी गेन करता है, या आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। तो देखिए, जीरो काइनेटिक एनर्जी से आपके चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के ई आ गया है और इसका यूनिट आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। ठीक है, या आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन कब गेन करता है, जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले 2 प्लेटों के बीच गति करता है।
आया कुछ समझ में कि कंफ्यूज हो गए?